कि जमीन बेच लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे, नहीं तो हमको 10 लाख रुपए दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार के तुम्हारा लाश भी गायब कर देंगे। और जब हमने केस किया उसके बाद आया अली अहमद आया और मेरे फादर के साथ जो है बदतमीजी किया, बोला कि हम पे केस कर रहे हो, केस से मेरा क्या बिगड़ेगा, वैसा वैसा केस हम हवा में उड़ा देते हैं। दरभंगा में अपराध चरम पर है, जिसका जीता जागता प्रमाण शहर के छोटी काजीपुरा में देखने को मिला। भू माफियाओं का दबदबा इतना अधिक हो चुका है कि अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य और साफ सफाई से रोका जा रहा है। करीब 4 कट्ठे के मालिक अली असगर कुरैशी पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते दिनों इसको लेकर भू माफियाओं ने जबरन सादे पेपर पर अंगूठा लगवाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी और 10 लाख की रंगदारी मांगा जा रहा है। इन्हीं आरोपों के साथ अली असगर कुरैशी ने थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन भी दिया है। जी, क्या मैटर है, क्या मामला है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या मामला हुआ है आप लोगों के साथ? मेरी ज़मीन छोटी गाजीपुरा मनर रोड के पास है, 4 कट्ठे का प्लॉट है जिसमें 10 दूर पे हम घर बनाए हुए हैं। हम अपने रास्ते ज़मीन पे जो है जाते हैं रास्ता का साफ सफाई करने के लिए, तो कुछ लोग जबरन आके हमको धमकाते हैं कि तुम अपनी ज़मीन बेच लो मेरे हाथ। हम उसका विरोध करते हैं तो मेरे साथ मारापीटी करता है, हमको धमकाता है, हमको बोलता है रंगदारी दो, यही सब चीज़ करता है। तो ये इसके लिए आपने अब तक कहाँ कहाँ शिकायत किया है, क्या सब? हमने अभी थाना पे पिटीशन दिया है, थाना प्रभारी ने कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिए हैं हमको। ये कौन लोग हैं जो आपको ये धमकी दे रहे हैं या रंगदारी का जो आप बोल रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? अली अहमद है, अतीकुल कुरैशी है, आले कुरैशी है, इरफान कुरैशी है, ये सारे दबंग लोग हैं। ये लोग भू माफिया है, ज़मीन का कारोबार करते हैं, जबरन दबाव बनाते हैं कि हम मेरे हाथ ज़मीन बेच लो, अगर नहीं बेचते हो तो हमको 10 लाख रुपए रंगदारी दो। और उसके बाद हमको हाथापाई भी किया है वहाँ पे स्पॉट पे, जब हम गए थे अपना रास्ते का साफ सफाई करने, बोलता है अली अहमद बोलता है कि हम तो तुम्हारे गेट के सामने हम माल जानवर जबा करते हैं तो तुम मेरा क्या कर लेते हो, हम तुमको चलने नहीं देंगे और हम तुमको यहाँ से उजाड़ देंगे जबरन। और अपने मित्र अतीकुल कुरैशी को कहता है कि 2 सादा स्टाम्प पेपर निकालो और इससे अंगूठा लो। इस तरह का परेशानी है मेरे साथ, आज से नहीं काफ़ी दिनों से ये लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से जब ये टॉर्चर कर रहे थे तो आप तो कानून का सहारा लिया था पहले? समाज में हम लोग बैठते थे, समाज के कुछ लोग निर्णय निकाले थे, तो समाज की बात को जो है हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। ये लोग जो है जिसका समाज से कोई मतलब नहीं है, ये लोग बदमाश है, ये लोग बदमाश आके जबरन हमको कहते हैं कि ये ज़मीन बेचो मेरे घर। किस किस्म का धमकी दे रहे हैं? जैसे कि ज़मीन नहीं बेचने का आपका इरादा है तो वो कैसा धमकी दे रहे हैं? बोलता है कि ज़मीन बेच लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे, नहीं तो हमको 10 लाख रुपए दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार के तुम्हारा लाश भी गायब कर देंगे। और जब हमने केस किया उसके बाद आया अली अहमद आया और मेरे फादर के साथ जो है बदतमीजी किया, बोला कि हम पे केस कर रहे हो, केस से मेरा क्या बिगड़ेगा, वैसा वैसा केस हम हवा में उड़ा देते हैं, मेरे पे केस किए हो, हम नहीं छोड़ेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली। शौकत अली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या है मामला? हमारा ज़मीन है, वहाँ पर सिलाटर हाउस है, मेरी ज़मीन के बगल में सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन से हमको चलने का बिल्कुल हक है। बाकी लोग जितना हैं, मकान उकान सरकारी ज़मीन पर मकान उकान पुख्ते बनाए हुआ है, पुख्ते मकान बनाए हुआ है और सब कब्जा किए हुआ है। हमारा ज़मीन है 4 कट्ठे की प्लॉट, उस पर रास्ता हम बना रहे थे कि फूल पानी के वजह से वहाँ पर माल जबिया होता है, फूल पानी हेल के जा कहे नहीं तुमको इसलिए चलना होगा, नहीं तो तुमको जो करना है कर लो, हम तुमको न रास्ता देंगे न कुछ देंगे, ये ज़मीन मेरे हाथ बेच लो और नहीं तो इतना रंगदारी दो हमको।
समझा। तो क्या इरादा आपका, वो जमीन बेचने का है या रखने का है? रखने का है, जमीन बेचने का नहीं है। हम मकान उकान बनाएंगे, मेरे पास बाल बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? हम उसको हम बेचेंगे नहीं। हम आगे कार्रवाई किया है पुलिस के वर्दे किया है, और पुलिस के केस में सो जाने के बाद फिर आके हमको धमकी भी देता है कि तुम हम पर केस किया है, तुम हमसे अच्छा टक्कर नहीं लिए हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ पर जितना तमाशगीर था वहाँ चौराहे पर, सब तमाशा देखा था। मेरे साथ बीस तरह से बदतमीजी किया है कि मत पूछिए। तो प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रही है? प्रशासन को हमने कह दिए, यही बात हम बोल दिए प्रशासन को। अच्छा, प्रशासन ने उसका लिख लिया है कि ठीक है, कौन आदमी था? ये आदमी अलियमद था। ये कौन आदमी सर है? अलियमद है, अतिकुल कुरैशी है, इरफान है, आले है, गोरे है, और बाकी लोग है, और लोग भी है, समझा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अली असगर कुरैशी।